मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैं शशिकांत उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू एजुकेशन चैनल में। आज आप सभी को कोरोना संकट से लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। ऐसे में यूट्यूब चैनल के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा भी दे पा रहे हैं और बच्चे घर रहकर भी एजुकेशन से वंचित नहीं है। ऐसे में एक शिक्षाप्रद स्टोरी लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सभी के सामने। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आएगी और इस स्टोरी को देखने के बाद कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया आपकी रही ये जानने की इच्छा हमारी भी रहती है। इसलिए आइए समय व्यतीत न करते हुए हम चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और आज की कहानी का शीर्षक है प्यार या व्यापार। एक ग्वालन दूध बेच रही थी और दूध सभी को नाप नाप कर दे रही थी। तभी वहां एक नौजवान दूध लेने के लिए आया और ग्वालन ने नौजवान का बर्तन दूध से बगैर नापे हुए भर दिया। अब ये वाकया वहीं दूर बैठे एक साधु देख रहे थे और माला फेर रहे थे और उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर ग्वालन ने ऐसा क्यों किया। जब ये बात साधु महाराज के समझ में नहीं आई तो वहां पास बैठे एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि आखिर ग्वालन ने ऐसा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ग्वालन ने जिस व्यक्ति को बगैर नापे, जिस नौजवान को बगैर नापे दूध दिया, वह उससे प्रेम कर, अर्थात जहां प्रेम होता है वहां हिसाब होता है। यह बात बोलकर वो व्यक्ति तो चला गया। साधु महाराज को यह बात दिल तक छू गई। साधु महाराज सोचने लगे कि मुझसे बेहतर तो वो ग्वालिन है जो जिस नौजवान से प्रेम करती है उसका हिसाब नहीं रखती, उसके दूध का हिसाब नहीं रखती, और एक मैं हूं जो कि मैं अपने ईश्वर से प्रेम करता हूं और मनके के दाने भी गिन गिन कर उसकी आराधना करता हूं। उनको ज्ञान हो गया और ऐसे में उस साधु महाराज ने उस माला को तुरंत तोड़कर वहां फेंक दिया कि जहां प्रेम है वहां हिसाब कैसा। दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी जहां प्रेम होता है वहां हिसाब नहीं होता और जहां हिसाब होता है वहां प्रेम नहीं होता, वहां सिर्फ व्यापार होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह आप सभी चैनल से जुड़े रहें, मोटिवेशनल स्टोरीज और कंप्यूटर से संबंधित एजुकेशन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।